हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन सरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आजकल ड्राइविंग लाइसेंस बनाना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है ये आपको भी पता है, क्योंकि पहले एग्जाम नहीं देने होते थे एंड अभी हमें एग्जाम देने होते हैं एंड अगर हम एग्जाम में पास होते हैं तभी जाके हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों उस एग्जाम को कैसे पास करें एंड उस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसे प्रिपेयर करें एंड कैसे दोस्तों चुटकियों में उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो एंड अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों आपको सारी डिटेल मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस से, तो इस वीडियो को मिस मत करना। अगर आप भी दोस्तों चाहते हो ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो एग्जाम होता है उसे पास आउट करना, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो एंड इस वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहो। So guys, सबसे पहले मैं आरटीयू वाला ये होने वाले एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इस एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन में से पास करने के लिए आपको 9 सवालों के जवाब देने होते हैं एकदम करेक्ट, तो जाके आप इसे पास आउट करोगे एंड आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। So, अब बात आती है कि कैसे हम सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यार कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं आएंगे हमें तो पता नहीं होता। सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंड इजिली दोस्तों आप पास हो जाओगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे। सबसे पहले दोस्तों इन सब चीजों के लिए, मतलब कि जो एग्जाम है उसे क्लियर करने के लिए आपके फोन में एक एप्लीकेशन होना जरूरी है जिसका नेम है दोस्तों आरटीओ एग्जाम। ये एप्लीकेशन कैसे आपको मिलेगा ये वीडियो के एंड में बता दूंगा, उससे पहले इसमें मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ कि कैसे इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आरटीओ एग्जाम लिखा हुआ आएगा एंड इसे ओपन होने देना। इसमें यार एक आध दो ऐड आते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं इसमें ऐड क्यों डाल रखे हैं। सो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपसे लैंग्वेज पूछेगा, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का आपको वहाँ पे लैंग्वेज आ जाएगा। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो यहाँ पे मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश तीन लैंग्वेज दिया गया था, तो मैंने हिंदी चूज कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हिंदी चूज करने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो सबसे पहला है वो है प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक, फिर अभ्यास है, फिर परीक्षा है। तो यहाँ पे तीन चीज है, यही तीन चीज मेन है एंड इन्हीं तीन चीज को आपको समझना है तो आप जाके आसानी से आरटीओ का एग्जाम क्लियर कर दोगे। सबसे पहला जो है वो है प्रश्न बैंक। तो प्रश्न बैंक में दोस्तों क्या है, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न है, जहाँ दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो प्रश्न दो टाइप के होते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है उसका आपको जवाब देना होता है एंड दूसरा जो रहता है वो एक सिंबल टाइप का रहेगा, उसे दोस्तों आपको देख के बताता है कि ये कौन सा सिंबल है, ये क्या करता है। जैसे कि कई जगह आप जब रोड पे जाते हो तो यू टर्न वाले सिंबल होते हैं, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे मतलब कि एक संकेत होता है, उस संकेत को आपको देख के बताना है कि ये एक किस टाइप का संकेत है। तो ऐसे दोस्तों दो टाइप के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब कि 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 15 में से 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं संकेत वाले एंड बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। ऐसा कुछ होने वाला है ये एग्जाम। अब यहाँ पे जो प्रश्न है नॉर्मल क्वेश्चन आंसर वाले ये टोटल होते हैं, मैं आपको वो टोटल बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये होते हैं ओके। बहुत नीचे है यार, यहाँ पे देख सकते हो मैं स्लाइड कर रहा हूँ, 313, मतलब कि 313 क्वेश्चन ये होते हैं क्वेश्चन आंसर वाले। अब जो संकेत वाले होते हैं वो 100 होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी 113, यानी कि टोटल दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे तो यहाँ पे 426 क्वेश्चन बनते हैं। तो 426 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आसानी से दोस्तों आप आरटीओ का एग्जाम क्लियर कर दोगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये इतना ज़्यादा इजी है ना कि भाई पूछो मत। अगर आपको थोड़ी सी भी आपका जो भी लैंग्वेज है जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो आती है तो इजीली दोस्तों आप ये पास आउट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो संकेत वाले है सिर्फ यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ देख के बताना है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपको वहाँ पे चूज करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको पहले ही बता दूँ। यहाँ पे आपको जस्ट चूज करना पड़ेगा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, हर एक प्रश्न के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि यार 2-4 मिनट रहेंगे आराम से करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, हर क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों 30 सेकंड मिलेंगे एंड 30 सेकंड में दोस्तों आपको जवाब देना होगा एंड नहीं तो अगला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अब ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आता है दोस्तों नीचे अभ्यास, अभ्यास के ऊपर जाओगे तो यार ऐड आ गया, रुको 2 मिनट, यहाँ पे ऐड को मैं सबसे पहले करता हूँ क्लोज
एंड उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे टोटल देख सकते हो कॉर्नर साइड में 426 क्वेश्चन है एंड यहाँ से दोस्तों आपसे मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा एंड नीचे तीन ऑप्शन होंगे, उनमें से दोस्तों आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऐसे ऐसे कर करके दोस्तों आपको पूरा का पूरा मतलब कि अभ्यास हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कैसे आंसर देने हैं। सिर्फ आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड नीचे तीन ऑप्शन रहेंगे, उनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो आप सेलेक्ट कर लोगे तो ग्रीन लाइट यहाँ पे जलेगी। सो मतलब कि ऐसे आपको एक प्रैक्टिस कर लेना है। ये अगर आप सिर्फ दो दिन, जहाँ दोस्तों सिर्फ दो दिन अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आसानी से आप जो RTO का एग्जाम है उसे क्लियर कर सकते हो, कोई भी मुश्किल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा पे दिया हुआ है, सारी के सारे जो नियम होते हैं वो यहाँ पे बताया गया है कि आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 9 क्वेश्चन के जवाब देने हैं एंड हर क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको 30 सेकंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारे नियम हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज है दोस्तों, ऊपर के दो मिल जाते हैं, एक प्रश्न बैंक एंड एक अभ्यास। तो प्रश्न बैंक में सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना, पढ़ने के बाद उनके जवाब भी नीचे रहेंगे, सवाल एंड जवाब दोनों रहेगा। एंड दूसरा होता है संकेत, संकेत वाला भी आपको समझ लेना है, जो सिंबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ सिंबल दिखाया जाएगा एंड आपको नीचे ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तीन ऑप्शन रहेंगे। एंड उसके बाद अभ्यास, अभ्यास पे जाके आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो कैसे RTO का एग्जाम होगा। सो सारी चीजें दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कैसे करोगे। तो सिंपल सा है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे, RTO एग्जाम लिखना है। जैसे ही आप RTO एग्जाम लिखोगे पहला ही क्वेश्चन मीन्स पहला ही एप्लीकेशन दिख जाएगा एंड इसे दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है। येलो एंड ब्लैक कलर का इसका लोगो होने वाला है एंड ये हर एक लैंग्वेज में उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात तो ये है, कहीं भी किसी भी स्टेट के आप हो, सभी स्टेट के लिए इसमें आपको लैंग्वेज दिए गए हैं। 4.6 की इसकी रेटिंग भी है, काफ़ी सही है। तो फटाक से जाके दोस्तों इसे डाउनलोड करो एंड अगर आपका भी लाइसेंस अभी तक नहीं बना है तो आप लाइसेंस बनवा सकते हो सिर्फ आसानी से ये कुछ क्वेश्चंस के जवाब देके। सो आई होप दोस्तों आपके ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।